मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के मुतासर होने के खदशात अब साबित होने लगे हैं और बच्चों के दवाखानों में कोरोना वायरस की अलामत के साथ बड़ी तादाद में बच्चों को रुजू किया जाने लगा है। बच्चों में कोरोना वायरस की सूरत में उन्हें संभालने के दौरान घर के बड़ों में भी कोरोना वायरस फैलने के खदशात और मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किए जाने की कयास आरायां की जा रही थी, लेकिन महकमे सेहत और हुकूमत के जिम्मेदारों की जानिब से मुसलसल इस बात को नजरअंदाज किया जाता रहा और कोरोना वायरस का शिकार होने की सूरत में बच्चों के लिए नीलोफर दवाखाने में खसूसी इंतजामात के महज ऐलानात किए गए। लेकिन अब जब के बड़ी तादाद में बच्चे मुतासर होने लगे हैं तो ऐसी सूरत में ये कहा जा रहा है कि हल्की सी अलामत के सबब बच्चों को सिर्फ बुखार, नजला वगैरह की शिकायत हो रही और वो जल्द ठीक होने लगे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों को कोरोना वायरस की सूरत में वालिदैन उन्हें सरकारी दवाखानों से रुजू करने में खौफ महसूस करने लगे हैं और वो खानगी दवाखानों से रुजू कर रहे। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद बिलखसूस पुराने शहर के बेशतर इलाकों में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की बड़ी तादाद है, जिन्हें न सिर्फ इलाज करवाने की जरूरत पड़ रही बल्कि शरीक दवाखाना भी करवाना पड़ रहा, क्योंकि बच्चों को कोरोना वायरस के बुखार के फौरी बाद उनमें कमजोरी और नकाहत पाई जाने लगी है और वो कमजोरी के सबब निढाल हो रहे। माहिरीन अमराज अतफाल का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 12 साल से कम उम्र बच्चों को कोरोना वायरस की अलामत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इस सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन अमराज अतफाल की जानिब से खानगी दवाखानों के जिम्मेदारों को मशवरा दिया जा रहा कि वो अपने दवाखानों में बच्चों के कोरोना वायरस के इलाज के लिए खसूसी इंतजामात को यकीनी बनाए ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों के इलाज के लिए उन्हें अलहदा गोशे में रखते हुए उनका मुयसर इलाज किया जा सके। हुकूमत की जानिब से बच्चों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के मुआयने के लिए कोई खसूसी इंतजामात न किए जाने के सबब ये हकायक सामने नहीं आ रहे और सरकारी दवाखानों बिलखसूस नीलोफर दवाखाने से रुजू होने वाले वालिदैन को मायूसी का सामना करना पड़ रहा और दवाखाने में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए बच्चों को फौरी तौर पर शरीक करने के कोई अहकामात नहीं है, बल्कि सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर ही कोरोना वायरस के मरीजों को शरीक दवाखाने किया जा सकता है, इसीलिए बच्चों को शरीक दवाखाने नहीं किया जा रहा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।